हेलो, सो द क्वेश्चन इज द फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू वी बी। सपोज दैट ई इज अलॉन्ग द एक्स एक्सिस एंड बी अलॉन्ग द वाई एक्सिस, इन वॉट डायरेक्शन एंड वॉट मिनिमम स्पीड शुड ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बी सेंड सो दैट नेट फोर्स ऑन इट इज जीरो। अगर आप 11th क्लास में, तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है ये हाई लेवल की, यानी कि 12th क्लास की है। पर इस क्वेश्चन के अंदर ये बोलना चाहता है कि फोर्स जो है वो दो वेक्टर के मिलके बराबर होता है, तो क्यू ई और एक क्यू वी क्रॉस पी। अब इसने बोला है कि जो ई वेक्टर है वो अलोंग एक्स एक्सिस है और बी जो है वो अलोंग वाई एक्सिस है। ये एंगल 90 डिग्री है, हमने उसको प्लेन की तरह बनाया ताकि हम यहाँ पर वाई डायरेक्शन भी डाल सकें, जेड डायरेक्शन। तो ये ई हो गया है यहाँ पे। अब आप देखिए, जो क्यू ई की डायरेक्शन आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी, और जो क्यू बी क्रॉस बी है अब अगर वो बोल रहा है कि जो मैग्नीट्यूड है नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए, तो यानी कि क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू वी बी क्या होना चाहिए, जीरो। तो ई वेक्टर की वैल्यू होनी चाहिए माइनस वी क्रॉस बी के बराबर। और अगर हम मैग्नीट्यूड में लिखें तो ये जाता है, मैग्नीट्यूड की बात करें तो वी बी साइन थीटा। तो अगर वी की वैल्यू लिखें तो आएगा ई अपॉन वी साइन थीटा। अब अगर हमें वी को मिनिमाइज करना है तो डिनोमिनेटर मैक्सिमाइज करेंगे, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, 1, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। पर तो वेलोसिटी और वी के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तब वी की मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो आएगी ई अपॉन ई अपॉन बी। और अगर हमें डायरेक्शन की बात करनी है तो इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, माइनस ई वेक्टर के बराबर आना चाहिए। तो रिजल्टेंट माइनस माइनस आई कैप के बराबर आना चाहिए। तो रिजल्टेंट कैसा आएगा, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन बी क्रॉस बी, और बी हमें पता है बी की डायरेक्शन क्या है, जे कैप के अलोंग। तो इसकी डायरेक्शन आनी चाहिए माइनस ई आई कैप के अंदर। यहाँ पे हम राइट हैंड वाले यूज से देखेंगे कि जो आई जे के होता है, तो हमें यहाँ पे माइनस आई चाहिए। तो ये कितना होना चाहिए, जे क्रॉस के करेंगे तो आई आता है, तो ये माइनस ये एंटी क्लॉकवाइज में उल्टा आएगा, तो जे क्रॉस के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस आई आ जाएगा। तो यहाँ से हम डायरेक्शन सोचेंगे कि इसकी वजह से ये निकल के आएगा, क्योंकि के क्रॉस जे जब करते हैं हम लोग एंटी क्लॉकवाइज, जब जाते हैं इसमें जे क्रॉस के करते हैं तो आता है आई कैप, के क्रॉस जे करते हैं तो आता है माइनस आई कैप। और हमें माइनस आई कैप चाहिए इसलिए जो वेलोसिटी होगी वो प्लस के अलॉन्ग होगी यहाँ पर। तो आंसर क्या हो जाएगा, वी मिनिमम इज इक्वल टू ई अपॉन बी एंड डायरेक्शन होगी पॉजिटिव पॉजिटिव जेड एक्सिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।